इधर रांची के डोरंडा मैदान में हजरत कुतुबुद्दीन रिसलदार बाबा के दरगाह में आगामी 13 से 17 अक्टूबर तक उर्स मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में लखनऊ और बनारस के कई लजीज पकवान बनाए गए हैं जो लोगों को खूब भा रहे हैं। वहीं मेले की रौनक का जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइजुद्दीन। के कई व्यंजन एक जगह मौजूद मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसलदार बाबा की दरगाह पर लगने वाले उर्स के दौरान विभिन्न व्यंजन और पकवान यहां बाजार में मेला में लगे हुए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि चाहे वो लखनवी मिठाई हो या फिर मेवे, हर कुछ यहां पर नज़र आ रहा है। खास करके यहां जो फेमस होता है इसमें सोन पापड़ी होता है, हलवा होता है, छोला भटूरा होता है, इस तरह की कई व्यंजन जो होते हैं वो लोगों को बेहद ही पसंद आते हैं। कहाँ से आए हो? लखनऊ से। लखनऊ का फेमस डिश कौन सा होता है? शाही हलवा मुगलिया पराठा, ये सोहन पापड़ी है। हाँ हाँ, शाही हलवा मुगलिया। कितने का बिकता है ये? 160 रुपए किलो बिकता है ये। 160 रुपए किलो सोन पापड़ी। और हलवा कैसे बेचता है? वो भी 160 रुपए किलो बिकता है, 40 का पाव। बड़ा बड़ा पराठा के रूप में दिख रहा है, क्या है भैया ये? ये मुगलिया पराठा है, लखनऊ का मशहूर। जी, शाही हलवा मुगलिया पराठा। अच्छा जी, तो ये वहाँ का फेमस है, यहाँ के लोग इसे कितना पसंद करते हैं? यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग यूपी से यहीं बेचते हैं। जी, आप लोग लखनऊ से? जी, हम लोग यूपी लखनऊ से हैं। हमेशा तो इस तरह के मेला में आप लोग आते होंगे, कैसा बाजार मिलता है और यहाँ के लोगों से कैसा आउटपुट मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है जी, बहुत अच्छा लगता है। आदमी भी बहुत अच्छे मिलते हैं, कोई किसी की परेशानी नहीं होती है, हर चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, इसीलिए हम लोग साल के साल यहीं रहते हैं। तो रांची के डोरंडा में लगने वाले उर्स के दौरान यूपी लखनऊ सहित विभिन्न राज्य के जो यहां पर लोग आते हैं वो राजधानी ही नहीं बल्कि झारखंड के लोगों को बेहद पसंद करते हैं। खासकर अपने यहाँ के व्यंजन यहाँ के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, ये इनके लिए एक बेहद ही खास होता है। सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस।